नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग राज व्यवस्था के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि पढ़ाने के दौरान छूट गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे संविधान के भाग हैं, जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें जो प्रमुख मंत्री थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रमुख भागों के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, आपका मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा पूछे जाते हैं अनुसूचियों से भी बहुत सारे प्रश्न कि कौन सी अनुसूची है जिसमें आपके राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय इत्यादि हैं, कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें कि भाषाएं दी हुई हैं, ठीक है, 28 भाषाओं का जिक्र है, तो यह सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे अंतरिम सरकार में जो मंत्री थे उनके बारे में देखेंगे और प्रमुख भागों के बारे में देखेंगे, लगभग सारे भागों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है, ताकि इससे कोई भी प्रश्न यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो वो भी ना छूटे। खास करके आगामी जो परीक्षाएं हैं, जो आपका एसएससी का परीक्षा है, जो बिहार एसआई मेंस का परीक्षा है, आपका आरआरबी एनटीपीसी का परीक्षा होने वाला है, बिहार एसआई का परीक्षा होने वाला है, तो ये सब जो बीपीएससी का परीक्षा होने वाला है, यूपीपीएससी का परीक्षा होने वाला है, तो ये सब जो परीक्षाएँ होने वाली हैं उसमें इन सबसे यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई प्रश्न न छूटे, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इन सबको ख़त्म कर देता हूँ। तो आज का जो आपका विषय है वह होगा संविधान के प्रमुख भाग और अंतरिम सरकार में जो प्रमुख मंत्री थे उनके बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा जिसमें सारे अनुसूचियों का जिक्र होगा, ठीक है। तो ये दोनों वीडियोज आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाले हैं, ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। अगर संविधान के भागों की बात की जाए तो भाग इसलिए बनाया गया क्योंकि हम लोग भी देखते हैं ना, अपने घर में आपका कोई एक तरह का सामान है तो उसको आप एक जगह रखते हैं, दूसरे तरह का सामान है तो दूसरे जगह रखते हैं, इसी तरह से आप किसी मॉल में चले जाइए तो आपको बच्चों का सेक्शन अलग मिलेगा, जेंट्स का सेक्शन अलग मिलेगा, खिलौनों का सेक्शन अलग मिलेगा, ग्रोसरीज का सेक्शन अलग मिलेगा। तो हम लोग ये क्यों करते हैं? सजाने के लिए करते हैं, ताकि एक तरह का जो भी चीज है, जो भी प्रावधान है, वह एक साथ रहे। तो उसी प्रकार से संविधान में भी एक तरह के जो भी अनुच्छेद हैं उनको भागों के अंतर्गत रखा गया ताकि पढ़ने में जो है वह सुविधा हो सके। तो इसी प्रकार से भागों की रचना हुई। अब भाग जो है वह संविधान में मूलतया 22 भाग थे, और आज भी यदि हम संविधान के मूल पाठ का जिक्र करें तो उसमें 22 ही भाग हैं, लेकिन कालांतर में जो है बहुत सारे भाग को हटाया गया, एकाध भाग जो है उनको स्थगित भी किया गया, मतलब कि उनको हटाया भी गया, और कुछ भाग जो है वह नए भाग जोड़े भी गए संविधान में विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के डेट में यदि हम लोग पढ़ेंगे संविधान को, ठीक है, तो संख्या की दृष्टि से संविधान में 25 भाग हैं टोटल, ठीक है, लेकिन मूल पाठ में जो है आपका 22 भाग ही आता है। यदि क ख ग घ जो जोड़ा गया है, आपका 14 क है, आपका 4 क है, तो ये सब जो जोड़ा गया है उसके कारण आपका टोटल मिलाकर के 25 हो जाता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं संविधान के प्रमुख भागों के बारे में। जो आपका भाग एक है, यहाँ पर आपका भाग दिया हुआ है, यहाँ पर आपका अनुच्छेद दिया हुआ है, और ये है आपके विषय के बारे में, ठीक है। तो भाग एक जो है वह अनुच्छेद 1 से 4 तक उसमें रखा गया है, और इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन दिया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में आपको याद होगा, मैं पढ़ा चुका हूं, पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं, किस प्रकार से राज्य जोड़े गए, किस प्रकार से राज्य बनाए गए, नए राज्य बनाए गए, पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, फिर बाद में राज्य बनाए गए, जैसे गोवा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सबको किस प्रकार से जोड़ा गया, जो आपके पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उनका गठन किस प्रकार से किया गया, तो यह सब मैं बता चुका हूँ, आप लोग जाकर के वीडियो जरूर देख लीजिए। तो भाग एक जो है उसमें संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से भाग दो में आपका अनुच्छेद 5 से लेकर के और 11 तक नागरिकता का जिक्र किया गया है, ठीक है।
किस प्रकार से हम लोगों को नागरिकता मिलती है, किस प्रकार से नागरिकता समाप्त होती है, इन सब का जिक्र इसमें किया गया है। और यह भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो नागरिकता का भी वीडियो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, कितने प्रकार से हमें नागरिकता प्राप्त हो सकती है, किस प्रकार से हमारी नागरिकता खत्म हो सकती है, यह सब उसमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, भाग दो में, संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का जिक्र है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भाग तीन, तो भाग तीन में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है। ठीक है, और मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं यह सब मैं बता चुका हूं, सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में डिटेल से मैंने चर्चा की है, तो वो वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, भाग तीन में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग चार में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आपका नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है, मतलब DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है और हिंदी में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो इनके तहत बहुत सारे प्रावधान हैं, ऐसे प्रावधान हैं जो कि राज्यों को करना चाहिए किसके लिए, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, जो कि नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भी है, मूल उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो यह जो है आप याद रखिएगा कि DPSP का जिक्र किया गया है 36 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक भाग चार में। इसके बाद आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग चार को जोड़ा गया और उसके तहत जो है मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, भाग चार को और अनुच्छेद 51 को, यह जो है आपका मूल कर्तव्यों से संबंधित है, सॉरी मूल अधिकार मैंने बोल दिया था, मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, और इसमें जो है मूल कर्तव्यों के बारे में भी बता चुका हूं कि 11 प्रकार के आपके मूल कर्तव्य हैं टोटल। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूँ, मूल कर्तव्य वाला वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं। और यह जरूर याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का जिक्र नहीं किया गया था। कारण भी मैं बता चुका हूँ, कारण यह है कि उस समय हम लोग जो है ना, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय हम लोग तुरंत आज़ाद हुए थे, तो कर्तव्यों की भावना प्रत्येक नागरिक में अंतर्निहित है, ऐसा संविधान सभा के सदस्यों का मानना था और यही कारण था कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा नहीं गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपका संविधान संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं भाग पाँच में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक संघ सरकार के बारे में चर्चा की गई है और इसमें विभिन्न अध्याय हैं। अध्याय एक जो है उसमें कार्यपालिका का जिक्र किया गया है 52 से 78 तक। कार्यपालिका में आपका प्रधानमंत्री आ गए, उनकी मंत्रिपरिषद आ गई। ठीक है, तो उसको कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो याद रखिएगा कि कार्यपालिका का जिक्र जो किया गया है अनुच्छेद 52 से 78 तक में किया गया है अध्याय एक में। ठीक है, भाग पांच अध्याय एक में। ठीक है, और इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब के बारे में बता चुका हूँ, तो पुराने वीडियो जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिए, प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद से संबंधित जो वीडियो है वहां पर आपको इसका चर्चा मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं अध्याय दो जो है भाग पांच अध्याय दो में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक संसद का जिक्र किया गया है, यानी कि केंद्र की विधायिका का जिक्र किया गया है, लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न प्रकार के जो आपके संसदीय समितियां होती हैं इन सब का जिक्र इसमें किया गया है और इस पर भी संसद का भी विशेष वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भाग पांच अध्याय दो अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक संसद का जिक्र किया गया है। इसके बाद भाग पांच में ही आपका अध्याय तीन जो है उसमें अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं वह अनुच्छेद 123 के तहत दिया गया है।
आपका भाग पांच अध्याय तीन में, ठीक है, याद रखिएगा। अध्याय चार, भाग पांच के अध्याय चार में अनुच्छेद 124 से 147 तक संघ की न्यायपालिका का जिक्र है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, ठीक है, याद रखिएगा। यह भी न्यायपालिका भी मैं पढ़ा चुका हूं, तो सुप्रीम कोर्ट वाला जो वीडियो है जाकर के जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अध्याय पांच, अध्याय पांच जो है आपका, भाग पांच का अध्याय पांच जो है, इसमें भारत के महान भारत के सीएजी की चर्चा की गई है, ठीक है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका जिक्र किया गया है भाग पांच के अध्याय पांच में अनुच्छेद 148 से 151 तक, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भाग छह, भाग छह जो है यह राज्य सरकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक इसका जिक्र किया गया है, राज्य सरकारों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे अध्याय हैं, तो अध्याय एक में अनुच्छेद 152 जो है उसमें साधारण प्रावधान दिए गए हैं, अध्याय दो जो है भाग छ अध्याय दो, इसमें 153 से लेकर के 167 नंबर अनुच्छेद तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने वीडियोज में, ठीक है। राज्य कार्यपालिका में आपका मुख्यमंत्री हो गया, उनकी मंत्रिपरिषद हो गई, और राज्यपाल भी आ जाते हैं, ठीक है, इसमें। और संघ की कार्यपालिका जो थी उसमें आपका राष्ट्रपति भी आ जाते हैं, ठीक। तो यह आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 153 से लेकर के 167, भाग 6 अध्याय 2 में राज्य कार्यपालिका का जिक्र किया गया है। इसके बाद भाग 6 अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 212 तक। जैसे हम लोगों ने संसद पढ़ा था, वैसे ही यहां पर विधानमंडल है, इसमें विधानसभा और विधान परिषद आ जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाग 6 अध्याय चार, इसमें अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा था, वैसे ही राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में भी हम लोग आगे वीडियोज में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाग 6 अध्याय 5, इसमें जो है राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में जिक्र किया गया, मतलब हाई कोर्ट्स के बारे में जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक। इसके बाद लास्ट है आपका भाग 6 के अध्याय 6 में आपका अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 233 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वो भी जाकर के वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं भाग 8 में, भाग 8 में आपका संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया गया है, संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। और कमेंट में बताइएगा कि अभी संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ठीक है, अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान में बताइएगा, ठीक है। जबकि मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, मतलब कुछ हिंट दे देता हूं कि आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों भी नया संघ राज्य क्षेत्र बन चुका है, और इसके अलावा दादर नागर हवेली तथा दमन एवं दीव दोनों को एकीकृत कर दिया गया है, मतलब एक कर दिया गया है, ठीक है। तो अब जो है कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं यह आप लोग कॉमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का जिक्र जो है वह भाग 8 में किया गया है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 8 जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद भले याद रहे न रहे, क्योंकि यह पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद भाग 9, भाग 9 में आपका यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है, भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से 9 तक पंचायतों की चर्चा की गई है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद जरूर रखिएगा भाग 9। इसके अलावा भाग 9 क है, भाग 9 क में आपका 243 त से य छ तक जो है आपका अनुच्छेद है, जिसमें नगर पंचायतों का जिक्र किया गया है। यह भी पूछा जा चुका है, पंचायत और नगर पालिका, यह जो है बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, अनुच्छेद 243 पंचायत जो है वह क से 9 तक और नगर पालिका जो है वह त से 6 तक, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। एक हो गया आपका पंचायत, हो गया भाग 9, और आपका नगर पालिकाएं हो गई भाग 9 क में, ठीक है। इसके बाद भाग 9 ख देखते हैं, तो इसमें सहकारी समितियों का जिक्र किया गया है, सहकारी समितियों का जिक्र किया गया है, और यह जो है आपका 243 जेड
एच से लेकर के जेड टी तक इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। यह भी सहकारी समितियों का जिक्र जो है यह पूछा जा चुका है यूपीपीएससी में कि सहकारी समितियों का जिक्र किस भाग में किया गया है, तो भाग 9 ख में किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भाग 10। भाग 10 में आपका अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 क तक, 244 और 244 क में यह दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधानों की चर्चा की गई है, याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं भाग 11। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में जिक्र किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों का जिक्र किस भाग में किया गया है, तो भाग 11 में किया गया है। अनुच्छेद भले न याद रखिए, यह भाग जरूर याद रखिएगा। और इसके अध्याय 1 में विधायी संबंध के बारे में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक, और अध्याय 2 में 256 से 263 तक आपका प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं भाग 12। भाग 12 में अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, पहले जो संपत्ति का अधिकार होता था वह मौलिक अधिकार होता था, लेकिन वहां से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और उसको जो है विधायी अधिकार बना दिया गया। किसके तहत? भाग 12 अध्याय 4 अनुच्छेद 300 क के तहत। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 13 के, सॉरी भाग 13। भाग 13 में जो है आपका अनुच्छेद 301 से 307 तक भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य तथा समागम का जिक्र किया गया है। वैसे मैंने देखा नहीं है कि यह कभी पूछा गया है, लेकिन याद जरूर रखिएगा, ध्यान में कम से कम रखिएगा, ताकि यदि पूछ दिया जाए तो आप भूलिएगा नहीं, मतलब कि आसानी से बना सकिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाग 14। भाग 14 जो है इसमें संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का जिक्र किया गया है। जैसे आपके लोक सेवा आयोग होते हैं, आपके राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, इन सब के बारे में दिया गया है। ठीक है, और इसी के अध्याय 2 में अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक, अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है आपका लोक सेवा आयोगों की चर्चा की गई है। लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है, भाग 14 अध्याय 2 याद रखिएगा। भाग 14 क के बारे में हम लोग देख लेते हैं, तो भाग 14 क में अधिकरणों की चर्चा की गई है, और इसे भी भाग 14 क है, यानी कि इसमें इसको भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही इसे भी जोड़ा गया था, भाग 14 क को याद जरूर रखिएगा। और इसमें अनुच्छेद है 323 क और ख, तो यह अनुच्छेद याद रखने की जरूरत नहीं है, यह जरूर याद रखिएगा, ये आपका भाग जो है 14 क। इसके बाद देखते हैं भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, मतलब चुनावों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, चुनाव आयोग इत्यादि की चर्चा की गई है। ठीक है, और यह जो है आपका अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 क तक दिया गया है। ठीक है, तो भले ही अनुच्छेद याद ना हो, लेकिन यह भाग जरूर याद रखिएगा, भाग 15। भाग 16 जो है इसमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, और यह जो है आपका 330 से 342 तक है। ठीक, तो यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यह मतलब याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, बस ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 17, सॉरी भाग 17। भाग 17 में राजभाषा का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक आपका राजभाषा का जिक्र किया गया है भाग 17 में, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें तीन अध्याय हैं, पहला अध्याय जो है वह आपका अनुच्छेद 343 से 344 तक संघ की भाषा के बारे में दिया गया है। दूसरा है आपका अध्याय 2, 345 से लेकर के 347 तक प्रादेशिक भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। और तीसरा अध्याय जो है उसमें अनुच्छेद 348 से लेकर के 349 तक
सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की जो भाषा होगी उसके बारे में जिक्र किया गया है, और यह हम लोग पढ़े भी हैं। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में पढ़ रहे थे तब यहाँ इसके बारे में डिटेल से हम लोगों ने पढ़ाई की हुई है, ठीक है। तो यह इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इन ये तीनों भाषा के बारे में जो है वह जरूर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, तो आपका भाग 18, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपात उपबंधों का जिक्र किया गया है। जैसा हम लोग जानते हैं कि तीन प्रकार के आपात होते हैं। पहला हो गया आपका राष्ट्रीय आपात होता है, दूसरा होता है राज्यों में केंद्र का जो शासन लगाया जाता है, मतलब राज्यपाल का शासन जो लगाया जाता है, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका वित्तीय आपात। तो तीन प्रकार के आपातों का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक, ठीक है। यह जरूर याद रखिएगा, आपात उपबंध जो है भाग 18 में दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है भाग 19। भाग 19 जो है यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें प्रकरणों के बारे में दिया गया है आपका 361 से 367 में। इसके बाद जो आता है आपका भाग 20, भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है, और यह बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर याद रखिएगा भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, यह हो गया आपका। उसके बाद है भाग 21। भाग 21 और 22 जो है कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपका अनुच्छेद 369 से 392 तक अस्थायी संक्रमणशील एवं विशेष उपबंध दिए गए हैं, और भाग 22 जो है इसमें अनुच्छेद 393 से 395 तक संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो जो प्रमुख भाग थे जिनको याद रखना जरूरी है वह मैंने आपको बता दिया है, वो जरूर से जरूर याद रखिएगा, और क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहीं से जाएंगे, बाकी कहीं से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यह जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ भाग जो जोड़े गए हैं, तो भाग 4 और भाग आपका 14, यह दोनों जो है वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद भाग 9 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसके बाद भाग 9 जो है इसमें 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, और भाग 9 जो है जिसमें पंचायतों के बारे में जिक्र है, यह आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और यह जो है आपका 73वां संविधान संशोधन के बारे में आपका वहां भी दिया हुआ है, अनुसूची में भी दिया हुआ है, ठीक है। जो अनुसूची नंबर 11 और 12 है वह इन्हीं दोनों से रिलेटेड है। अनुसूची नंबर जो 11 है वह आपका पंचायतों से रिलेटेड है, और अनुसूची नंबर 12 जो है वह नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखिएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992, ये दोनों जो है पंचायतों से और नगर पालिकाओं से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में। अंतरिम मंत्रिमंडल जो है वह कैबिनेट मिशन के द्वारा जो योजना प्रस्तुत की गई थी उसके आधार पर 24 अगस्त 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल मतलब कि घोषणा की गई थी, सरकार की घोषणा की गई थी, अंतरिम मंत्रिमंडल की घोषणा की गई थी, और उसी के आधार पर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें जो प्रमुख मंत्री थे उनके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं वो मैं जरूर बता दूंगा, उनको विशेष रूप से याद रखिएगा, बाकी याद तो सब रखना है, ठीक है। तो चलते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह अध्यक्ष थे, लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, यह दोनों जरूर याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जो थे वह उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री भी थे, और जो आप राष्ट्रमंडल मामलों का जो विभाग था वह भी उनके अंडर था, और विदेश मामलों का जो विभाग था वह भी जवाहरलाल नेहरू के अंदर था, याद रखिएगा। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल जो थे वह गृह मंत्री थे, मतलब गृह मंत्रालय उनके अंडर में था, और इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो था वह भी इनके अंतर्गत था, न्यूज एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, तो यह भी इनके अंदर था। इसके बाद यह भी पूछा जाता है, वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा मंत्रालय उनके अंतर्गत था। इसके अलावा जॉन मथाई जो है उद्योग एवं आपूर्ति विभाग
इनके अंतर्गत था। और यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है जॉन मथाई, तो जरूर याद रखिएगा उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। इसके बाद बलदेव सिंह, बलदेव सिंह जो थे वह रक्षा विभाग के प्रमुख थे, तो रक्षा विभाग बलदेव सिंह जरूर याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद आपका सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग एडुकेशन मिनिस्टर, जरूर से जरूर याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। इसके बाद आपका राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, खास करके बीपीएससी में जरूर पूछा जाता है और अन्य परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग जरूर से जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है आपका सीएच भाभा, सीएच भाभा कार्य खनन एवं ऊर्जा विभाग, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका आसफ अली, आसफ अली के बारे में पूछा जाता है, रेलवे विभाग के प्रमुख थे, तो याद रखिएगा आसफ अली रेलवे विभाग। इसके बाद आपका लियाकत अली खां, लियाकत अली खां यह भी पूछा जाता है, वित्त विभाग इनके अंतर्गत था, लियाकत अली खां वित्त विभाग याद रखिएगा। फिर है आपका जोगेंद्रनाथ मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल विधि विभाग, जोगेंद्रनाथ मंडल विधि विभाग याद रखिएगा, यह भी पूछा जा चुका है, वैसे ज्यादा नहीं पूछा जाता है लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है, जोगेंद्रनाथ मंडल विधि विभाग याद रखिएगा, विधि मतलब कानून, कानून विभाग भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं गजनफर अली खां, गजनफर अली खां जो थे वह स्वास्थ्य विभाग में थे, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख थे, या मैंने तो नहीं देखा कि कभी पूछा गया है लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए याद जरूर रखिएगा गजनफर अली खां स्वास्थ्य विभाग। इसके बाद है आपका आई आई चुंदरीकर, आई आई चुंदरीकर वाणिज्य विभाग, ठीक है, यह भी मैंने नहीं देखा, कॉमर्स मिनिस्ट्री वाणिज्य विभाग आई आई चुंदरीकर मैंने भी नहीं देखा कि कहीं पूछा गया है, लेकिन ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है अब्दुल रब निस्तार, अब्दुल रब निस्तार संचार विभाग, अब्दुल रब निस्तार संचार विभाग याद रखिएगा, ठीक है, पूछा वैसे नहीं गया है लेकिन ध्यान में जरूर रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में भी देखा, और इनसे जो है आपका एक से दो प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर भागों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहीं से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे, अगर मंत्रिमंडल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। और 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में आप वीडियो देख लीजिएगा, 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगा होगा मुझे बनाने में, 10-15 मिनट में वीडियो देख लीजिएगा और आपका एक से दो नंबर निश्चित हो जाएगा, तो जरूर देख लीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग अनुसूचियों के बारे में पढ़ लेंगे, तो ये तीनों से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं से छूटेगा नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया है। और जितने भी पॉलिटी के पहले मैं वीडियोज बता चुका हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से नहीं आने वाला है, इसलिए जरूर से जरूर देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है अनुसूची समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम लोग चलेंगे राज्य कार्यपालिका के विषय में, देखेंगे मुख्यमंत्री राज्यपाल इत्यादि के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ही जल्दी पॉलिटी समाप्त हो जाएगा 10-15 दिन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद मैं साइंस शुरू करने वाला हूँ। इतिहास में भी आप लोग देख रहे हैं कि गुप्तोत्तर काल जो है लगभग समाप्त होने वाला है, एकमात्र वीडियो और बनाना है और गुप्तोत्तर काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पूर्व मध्यकाल में प्रवेश करने वाले हैं और फिर जो है आपका मध्यकाल में प्रवेश कर जाएंगे, तो वो भी वहाँ पर भी प्राचीन भारत के का इतिहास पूरा समाप्त हो चुका है, तो वहाँ पर भी जरूर जाकर के वीडियो देख लीजिए। और वीडियो केवल देखिए ही नहीं, यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। और जाते जाते बस इतना कहूँगा कि पर्यावरण का ध्यान रखिए, पानी बचाइए, नारी का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, खुद के भारतीय होने पर गर्व का अनुभव कीजिए, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कीजिए, राष्ट्रध्वज का सम्मान कीजिए, राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए, छोटे बच्चों जीव जंतुओं पर दया का भाव रखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।